और इतिहास में पहली बार देश के किसी टीवी चैनल की टीम नाटो के वॉर हेलीकॉप्टर में सवार होकर रूस की सरहद के करीब टैक्टिकल मिशन की गवाह बनी है। सीधे नाटो के वॉर जोन से टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर आशीष सिंह और कैमरामैन संजीत की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। यूक्रेन की धरती बारूदी धमाकों से थर्रा रही है, वहां के आसमान में हर पल मौत मंडराती है। जहां रूस का गोला किसी भी हेलीकॉप्टर के चीथड़े उड़ा सकता है, उस वॉर जोन में किसी और ने नहीं बल्कि खुद नाटो फोर्स ने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता को ले गई। हम आपको बताते हैं रशियन बॉर्डर से केवल 100 किलोमीटर दूर है, यानी कि वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर से वहां तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय लगेगा। तो अब ये हेलीकॉप्टर तैयार है, छोटा सा हो गया है और नाटो से मिशन और अप्रूवल के बाद में चलिए आपको ले चलते हैं। मिशन बेहद अहम था, हर एक सेकेंड पर जान का खतरा मंडरा रहा था। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता आशीष सिंह नाटो के उस हेलीकॉप्टर पर सवार थे जो रूस के सरहद से बेहद करीब उड़ान भर रहा था। नाटो के दोनों वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर अटैक मोड पर थे क्योंकि रूस किसी भी वक्त हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता था। ठीक आपको मेरे कैमरा में दिखाएंगे, ये गन देखिए, ये है HMG 50 कैलिबर हैवी मशीन गन और इसको तुरंत ही कन्वर्ट किया जा सकता है 7.62। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।